एक ऐसी एसएमपी जिस एसएमपी को दो यूट्यूबर्स होस्ट करते हैं क्रेजी एंड वाई जी जी। एंड इन दोनों ही यूट्यूबर्स ने एक एंड वॉर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था एंड मुझे कुछ ना कुछ करके इस इवेंट को जीतना था। और इस इवेंट को जीतने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एंड ड्रैगन को मानना है एंड उसके एग को इक्विप करना है। आसान लग रहा है, पर उस इवेंट को जीतने के लिए सिर्फ मैं अकेला नहीं आया था, उस इवेंट में 40 से भी ज्यादा लोग, और ना ही तो एमपीवीपी में ज्यादा अच्छा हुआ ना ही तो ग्लिचेस में। तो मैं गया कुछ इलीगल चीजों के साथ। मैं एक के बाद एक प्लेयर्स को 2 मिनट करता गया, पर फिर जे हुआ। Yes, मैं मर चुका था लैग एंड अपनी नूबनेस की वजह से। और अब जो कि मैं मर चुका था, शायद मैं जे एंड वॉर हार चुका था, तो मैं क्या लगा मैं जे बोलूंगा। I am ruler दीजी, और मैं एक हैकर हूँ, और एक हैकर कभी भी अपने एक अकाउंट के साथ नहीं खेलता। एंड जब मैं प्लेयर्स को 2 मिनट कर ही रहा था, तभी मुझे एक मैसेज आता है, जो मैसेज था नाइट टोर की तरफ से। और वो मैसेज था, जी हाँ, अल्टीमेट एसएमपी की एंड वॉर खत्म हो चुकी थी और मैं शायद इस एंड वॉर को हार चुका था तब तक जब तक मैंने YGG की स्ट्रीम नहीं देखी। भाई देखो, अगर एंडर एग नहीं मिला थोड़ी देर ढूंढने के बावजूद, तो फिर हम जो बंदे अभी तक जिंदा है उन सब में पीवीपी कराएंगे। जो भी पीवीपी में जीत जाएगा, लास्ट वन स्टैंडिंग विल विन। ठीक है, ये हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। इतना सुनने के बाद साफ समझ में आ रहा था कि आज शायद भगवान भी मेरे साथ है। मैं चाहता तो इनसे हेक्स के साथ भी लड़ सकता था, पर उनकी सिर्फ एक हिट और मेरा गेम खत्म। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले स्टफ इक्विप करूंगा। मैंने जैसे न तैसे करके स्टफ तो इक्विप कर ही लिया था, पर मैं अभी भी इनके साथ लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं इनके साथ लड़ता एडमिन्स मुझे बैन कर देते। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा कैंपिंग। जब मैंने देखा कि अब सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 लोग ही बचे हैं, so I decided to go and fight with them. But that was my mistake. ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि एडमिन मुझे देख रहे थे। ओके, ये फोन वाला बंदा इधर पे आते हुए और ये कुछ किट चुराते हुए, I don't know ये कैसे जिंदा है इतनी देर से। I don't know उनकी क्या। भाई कुछ तो ले रहे हैं। ओके, उनका किट वापस से रिस्टोर हो रहा है गाइस। एक सेकंड, ये मोबाइल पे चीट कर रहे हैं ना। गाइस, इट इज अ स्पैमिंग टेक्निक आई गेस, बट एक और वॉर करा दो नेक्स्ट। मैं जानता था कि एक न एक बार एडमिन मुझे देखेगा जरूर, इसीलिए मैं अपने ऑरा का स्विंग साउंड ऑफ करके रखा था, जिसकी वजह से एडमिन को लगा कि मैं बस स्पैम क्लिक कर रहा हूँ।
मुझे लगा था कि अब सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 लोग ही बचे होंगे, पर मैं गलत था। अभी भी बहुत सारे लोग बच रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं करूंगा दोबारा से कैंपिंग। भाई जी, मैं एक बार टीपी होल्ड कर रहा हूँ सबको यहाँ पे, स्कूल पे ठीक है, लड़ाई होगी। ये होल्ड नहीं, टीपी होल्ड करना भाई, क्रेजी भाई। मुझे बैन मिल चुका था, पर अभी भी मैं हारा नहीं था। मैं चाहता तो और अकाउंट लेके जा सकता था, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा गोल तो कंप्लीट हो चुका था। जब जब लोग मुझसे डरते, एडमिन्स मुझे देख के पैनिक होते या लोग मुझसे दूर भागते, मेरा गोल कंप्लीट होता क्योंकि मैं उस SMP में बस अपना भाई बनाने के लिए गया था। मेरा गोल कभी भी उस SMP के एंड वॉर को जीतना था ही नहीं, मेरा गोल था उन लोगों को डराना। और बस अपनी इसी विलनेस की वजह से मैं जाना जाता हूँ रूलर तक तीजे के नाम से। पर अब मैं और इविल बन के नहीं रह सकता, मैं हैक्स लीव कर रहा हूँ। और ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि यार अब मैं और हैकर बन के नहीं रह सकता। मैंने ना जाने कितने प्लेयर्स को बिना मतलब में मारा है, ना जाने कितने प्लेयर्स की मेहनत को बिना मतलब में बर्बाद किया है, पर अब मैं खुद एक प्लेयर बन के रहना चाहता हूँ। मैं जब जब किसी प्लेयर को मारता हैक्स के साथ, तब तब मुझे बाद में अपने ऊपर रिग्रेट होता कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। इसीलिए अब मैं हैक यूज़ नहीं करूँगा।